कौन है ये शख्स जो हाथों के बल पर कर रहा केदारनाथ की परिक्रमा? कौन है जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर हो रहा जमकर वायरल? क्या ये वाकई में पीएम मोदी की 26 साल की उम्र वाला वीडियो है? जी, तमाम सवाल और दावों के बीच इस वक्त सोशल मीडिया पर ये वीडियो तैर रहा है। ये वीडियो जिसमें हाथों के बल पर एक शख्स बाबा केदारनाथ की परिक्रमा कर रहा है, देखिए देखिए, आप भी देखिए। हो सकता है व्हाट्सएप या ट्विटर पर ये वीडियो आपको भी भेजा गया हो, क्योंकि ऐसे कई वीडियो में ये दावा किया जा रहा है कि ये पीएम नरेंद्र मोदी का बहुत पुराना वीडियो है, तब का वीडियो जब वो 26 साल की उम्र के थे, तब वो इस अंदाज में भगवान केदारनाथ की परिक्रमा करते थे। ये वीडियो फेसबुक से लेकर ट्विटर तक पर हर जगह जबरदस्त शेयर किया जा रहा है। इस वीडियो को पोस्ट करते हुए लोग पीएम मोदी की तारीफ कर रहे हैं और अलग अलग कैप्शन लिख रहे हैं, जैसे कि अब इस यूजर को देखिए, जिसमें एक ट्विटर यूजर इसे पोस्ट करते हुए लिखते हैं, मोदी जी 26 साल की उम्र में केदारनाथ की परिक्रमा लगाते हुए आपने कभी ऐसा भक्त देखा है जिसकी संपूर्ण भक्ति राष्ट्र के लिए समर्पित हो? मगर जरा थम जाइए, क्योंकि इस वीडियो की हकीकत भी आप जान लीजिए। इस वीडियो की हकीकत को जाने बिना आगे शेयर ध्यान से ही कीजिएगा। आइए अब हम आपको इस वीडियो की पूरी सच्चाई बताते हैं। कौन है ये शख्स जो हाथों के बल पर केदारनाथ की परिक्रमा कर रहा है, आइए वो भी जान लीजिए। दरअसल वायरल वीडियो में दिख रहे पीएम मोदी नहीं बल्कि केदारनाथ मंदिर के तीर्थ पुरोहित संतोष द्विवेदी हैं। बकायदा ईटीवी भारत की रिपोर्ट में भी ये बताया गया। ये वीडियो तब का है जब अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का मौका था, तब केदारनाथ मंदिर के तीर्थ पुरोहित संतोष द्विवेदी ने अपने हाथों के बल पर चलकर बाबा केदारनाथ की परिक्रमा की थी। इस वीडियो की पुष्टि खुद तीर्थ पुरोहित संतोष द्विवेदी करते हैं। उन्होंने कहा कि ये वीडियो पिछले साल 2021 का है। मैं साल 2020 से हर साल योग दिवस पर इसी तरह से बाबा केदारनाथ की परिक्रमा करता हूँ। तो यानी ये साफ हो जाता है कि ये वीडियो पीएम मोदी का नहीं है। इसलिए हम आपसे कहते हैं कि जैसे हर चमकती चीज सोना नहीं होती है, मतलब समझ लीजिए, ज्ञान जहाँ से मिले बटोर दीजिए, मगर पहले जरा टटोल लीजिए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ वन इंडिया।